अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में शिरकत कर लौटे आरएसएस के प्रांत संघ चालक ने शनिवार को विश्व संवाद केंद्र पर पत्रकार वार्ता कर संघ द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत संघ चालक पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विगत 19 से 20 मार्च तक चलने वाली 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन बेंगलुरु के चिन्नहल्ली स्थित जनसेवा विद्या मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। देश में सभी प्रांतों द्वारा किए गए विशेष कार्यक्रमों सहित राष्ट्रीय परिदृश्य की समीक्षा एवं आगामी कार्य योजनाओं की रूपरेखा के संबंध में भी चर्चा की गई। वहीं प्रतिनिधि सभा में 2 प्रस्ताव श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, भारत की अंतर्निर्मित शक्ति का प्रकटीकरण और COVID-19 के सम्मुख खड़ा एकजुट भारत सर्वसम्मति से पारित हुआ। साथ ही संघ द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर सह प्रांत संघ चालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल व प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर संजीत गुप्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक पृथ्वीराज सिंह ने कहा, और वहाँ मार्च 2021 को बैठक में जो संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी, बंगलोर में जो प्रतिनिधि सभा 19-20 मार्च को आयोजित की गई थी, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई, उसके निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद प्रत्येक प्रांतों में, जिसमें हम लोग भी बैठे हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं। वहाँ पर 2 प्रमुख प्रस्ताव पारित हुए। एक तो राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, और कहा गया कि भारत की अंतर्निहित शक्ति का ये प्रकटीकरण है, और दूसरा था कोविड महामारी के सम्मुख खड़ा एकजुट भारत, इस विषय पर 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव के संदर्भ में हम सभी अवगत हैं कि यह माना गया कि यह भारतीय अस्मिता, संस्कृति और हिंदुत्व का पुनरुत्थान और प्रकटीकरण है, और इसके लिए जो समाज से सहयोग मिला और जिस तरह से हम लोगों ने जनता में संपर्क किया, वह एक सुखद पहलू रहा। दूसरा, कोरोना का एक भयंकर पहलू रहा है, और उसमें गोरखपुर प्रांत में भी सेवा के कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अग्रणी रहा है। देश भर में सेवा का कार्य किया गया है, लेकिन उसी के साथ लोगों को सचेत किया गया है कि यह बीमारी अभी गई नहीं है, और इसके संदर्भ में स्वयंसेवक समाज के जो सहयोग करने वाले बंधु हैं वह सजग रहें, और लोगों को भी यह आगाह किया गया है कि वह जो प्रोटोकॉल है, जो सरकार के नियम निर्देश हैं, उसका पालन करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर तो 2 दिन में विस्तृत बिंदु होती है। एक तो सभी प्रांत अपने जो प्रगति है कार्य का व्याख्या और आख्या प्रस्तुत करते हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं, और कुछ खुले सत्र होते हैं जिसमें लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह सत्र इसलिए महत्वपूर्ण था कि यहाँ वहाँ पर संघ का हर तीसरे वर्ष सर कार्यवाही का पुनर्निर्वाचन होता है। इस बार भैया जी जोशी ने अपनी बढ़ती हुई उम्र के कारण इस पद से मुक्ति चाहिए, और उसकी जगह पर माननीय दत्तात्रेय होसवेले जी का निर्वाचन किया गया है। दत्तात्रेय होसवेले जी पहले सह सर कार्यवाहक पद पर आसीन थे।